अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो प्लीज़, आज की जो मेरी वीडियो है वो है मिस रोज़ ब्रांड की न्यूड पैलेट का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने मिस रोज़ की वेबसाइट से मंगाया है, ठीक है, और ये न्यूड पैलेट है। आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, सो मैंने कहा ज़रूर इसका फ़ीडबैक मैं आप लोगों को शेयर करूँ जो कि मैंने ख़ुद यूज़ की है। तो मैं आप लोगों को इसका बताऊँ कि ये कैसा है, पिगमेंटेड है या नहीं, और इसकी आई शेडोज के टेक्सचर्स कैसे हैं, क्रीमी हैं या चंकी हैं, और कितने शेड्स इसमें अवेलेबल हैं और किस किस तरह से हैं। तो चलें जी इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, ठीक है जी। तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर से कुछ ये पैलेट इस तरीके से दिखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आई। जो न्यूड लिखा हुआ है बहुत शाइनी सा लिखा हुआ है इन्होंने, तो पैकेजिंग ऑलमोस्ट 10 out of 10 है मेरी तरफ से। वाओ, लुक एट दिस गाइस, बहुत ही खूबसूरत शेड। और यहाँ पे मिरर है जो कि मैंने इस पिक्चर के थ्रू कवर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सही तरीके से दिख रही होगी, या मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा के साइड कर देती हूँ, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से रख देती हूँ। यस, सो यहाँ पर आप लोग शेड्स देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों को दिख रहे होंगे ये मैंने कुछ शेड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ये देख रहे हैं आप, मैंने ये पहले यूज़ करी है, ठीक है ना, देन उसके बाद आपको उसका रिव्यू कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने मंगाया और फ़ौरन से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, नो। पहले मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ, पहले ख़ुद देखती हूँ कि आया कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, तभी मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूँगी कि वाकई ये आपको चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं, और कौन सी वेबसाइट से बाय करना चाहिए, तभी मैं आपको इन सब जो भी मैं आजकल वीडियोस लेकर आ रही हूँ उनके लिंक्स जो होते हैं वेबसाइट्स के, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही मिस रोज़ की भी वेबसाइट है जहाँ से मैंने ऑर्डर करके ख़ुद अपने परचेज यानी कि किया है, और ऑर्डर करके मैंने आप वहाँ से मंगाया है। सो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ये इन्होंने कुछ दिया है वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर है। सो कुछ पाउडर वाइट शेड है, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें जी क्या पिगमेंटेड है यार, अमेजिंग, ठीक है। फिर ये वाला दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा क्रीमी है और ग्लिटर है गाइस, ओ माय गॉड, स्किनी शेड होता है ना, स्किन कलर के शेड्स, ये उस टाइप का है। मेरा कैमरा प्लीज़ जूम पकड़ ले, यस अब दिखा, और ये शेड दिखा रही हूँ आपको, वाओ, ये देख रहे हैं वाइट में और स्किन कलर के आई शेडो में कितना फ़र्क है। नाउ अब मैं ये वाला, ये भी क्रीमी टेक्सचर है और ग्लिटर है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेती हूँ, वाओ, ये देखें ये शेड और ये शेड डिफरेंट्स हैं, ओके, आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, ये सेम नहीं है। अब जो लास्ट में है इससे डार्क पर्पल सा दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी ये है डार्क, और आपको वीडियो के अंदर लग रहा है लाइट है ये, ओके जी। तो आप ये देख लें कि फर्स्ट रो के मैंने सारे शेड्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, और ये मेरा हैंड आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पिगमेंटेड कलर है, सो बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। चलें अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, सेकंड रो के स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा लाइट पर्पल है, इसका शेप देख लें आप, यहाँ पे ये थोड़ा फिर से क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, वाओ, लाइट पर्पल है, ये भी पर्पल की ही टोन, पिंक न्यूड, और ये ग्लिटर दिखा देती हूँ आपको हल्का सा स्केच करने पे, मज़ेदार यार, क्या तो मज़ेदार शेड है। और ये है बहुत ही खूबसूरत, ये देखें मैंने टच किया और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ा दोबारा से करके दिखाती हूँ, ये देखें जी, ठीक है।
सेकंड रो के स्केचेस आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेड हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। इस तरह के ये थोड़े चंकी हैं और कुछ क्रीमी हैं, और इसमें दो जो हैं वो बिल्कुल ही मैट है। ठीक है, सेकंड रो भी कर दी है मैंने आप लोगों को, दिखा दिए इनके। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसके थर्ड। अच्छा, तो एक और बात दिखाते चलूँ, मैंने इसको रिमूव किया टिश्यू से और आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन कैसे फैल गई है और स्टेन रह गया है। सो गाइस, ये आई शेडोज बहुत अच्छे हैं, मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर ज़रूर बाय करें, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी। ठीक है जी, थर्ड रो दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो है कंसीलर है, ठीक है, जूम करके दिखा देती हूँ। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा कंसीलर है, फुल कवरेज है। सो मैं आप लोगों को तभी ये रिकमेंड कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका कंसीलर दिखा देती हूँ, ये देखें जी, फुल कवरेज। और इसका ये थोड़ा एक और लाइट शेड दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत न्यूड शेड है। ये वाला शेड दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें जी, इसका ब्राउन शेड दिखा रही हूँ मैं, ये देखें, ये डार्क ब्राउन है। आपको आई डोंट नो कि वीडियो में ये लाइट ब्राउन लग रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, मेरा कैमरा जूमिंग पकड़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत शेड है। बाकी ये वाला शेड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, ठीक है, चमक देखें, ये तो बहुत ही मज़े का क्रीम। ये लास्ट रो के अब मैं दिखाने लगी हूँ आपको, ये देखिए जी, ये हमारी सबसे ज़्यादा लास्ट की है जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। ये कंसीलर है, फुल कवरेज है, देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है ये। और ये क्रीमी वाला जो है मेटालिक सा शेड, बहुत ही प्यारा क्रीमी टेक्सचर में है। बाकी न्यूड शेड्स आप देख सकते हैं और इनके स्टेन भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आई शेडोज जो होते हैं बाजे लाइट होते हैं वो आप अपने आईज़ पे अप्लाई करते हो तो ब्लेंड नहीं हो रहे होते, चंकी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मज़े के क्रीमी। गाइस, ये पैलेट बहुत 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 अच्छी है, मैं इसको फुल रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, आप मेरे उससे इसको बाय करो, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके शेड बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है और चंकी तो सिर्फ ये दो हैं। और आजकल इस तरह के जो शेड्स हैं मार्केट में आपको दिख रहे होंगे कि बहुत इन हैं, और ये वाले जो शेड्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो हैं बिल्कुल क्रीमी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो लगे अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपने जिन्होंने ये यूज़ की है उनको कैसा फ़ील हुआ है, और जिन्होंने जो लोग लेना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी और मेरे चैनल पे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स के रिव्यू देने चाहिए, सो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो थैंक यू सो मच, ये थी मेरी आज की वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।